महिमा हो प्रभु तेरी, जय हो जय हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति प्रशंसा हो, महिमा हो, आदर सम्मान हो। हालेलुया 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 हालेलुया, आर्य 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 आर्य, हालेलुया 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 Ari 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 Jesus 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 Ari 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 Hala 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 Ari 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 Pranam Maria कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोलो, हाथ मिला के बोलो हालेलुया, हाथ मिला के बोलो हालेलुया, हंसकर बोलो हालेलुया, खुशी से बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथ मिलाए नहीं मिलाए, सबसे हंसा कि नहीं हंसा, एक दूसरों को देख के हंसो, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, हंसो ना, क्योंकि हम हंसना भूल गए इस दुनिया में। हालेलुया, इतना बोझ है इंसान के अंदर, किसी का चेहरा देखो तो हंसता नहीं आज का इंसान। हालेलुया, तभी हम सब हंसेंगे क्योंकि यीशु ने बोला हंसो, खुश रहो, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो। लेकिन हम सब दुखी, उदास, निराश, चिंता, टेंशन, प्रॉब्लम इसी में रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने क्या बोला फिर से सुनना, खुश रहो, आनंदित रहो, उल्लासित रहो, हंसते रहो, प्रसन्न रहो। क्या बोला यीशु ने, खुश रहो। क्या बोला, खुश रहो। दूसरा क्या बोला, आनंदित रहो, आनंदित, आनंद में रहना। तीसरा क्या है, तीसरा उल्लासित रहो, उल्लास से भरे रहो। चौथा क्या बोला, क्या बोला, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, हंसते रहो। जब आप इस तरह का जिंदगी जियोगे आपकी समस्याएं भागने लगेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। हालेलुया हालेलुया। और अगर हंसता हुआ रहेगा तो सोचिए आपके जीवन में यीशु है। इसीलिए चाहे कितना भी दुख हो जाए, कितना भी परेशानी हो जाए, कितना भी समस्या आ जाए, हमें एक बात याद रखना है। क्या है, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, हाँ, किसने बोला इस बात को, यीशु ने बोला। कहाँ पर बोला, मत्ती के सुसमाचार, कितना अध्याय है मत्ती का सुसमाचार, कितने अध्याय है, हाँ, छः में नहीं बोला। हालेलुया। और कोई बोलेगा मत्ती के कितने अध्याय में बोला यीशु ने, 28 में बोला, किसमें बोला, वाक्य कितना है, 20। क्या बोला, याद रखो। क्या बोला, याद रखो। हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं, कि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर हम सबों के साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको गीत आता है, जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बोलिए, गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बोलिए, गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, ओ परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया 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 हालेलुया। इसीलिए हर समय, हर पल, हर दिन, हर क्षण इस बात को याद रखना, यीशु मेरे साथ है। और यीशु अगर हमारे साथ है तो बाइबल हमें क्या बताती है, रोमी अध्याय 8:31 में क्या कहता है प्रभु, यदि ईश्वर अगर मेरे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। छोटी छोटी बातें बताता हूँ लेकिन बहुत हमारे जीवन में लाभदायक हो सकती है। हालेलुया हालेलुया। पहला बात क्या है, ईश्वर हमारे साथ है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो क्या होगा, कौन हमारे विरुद्ध होगा, कोई है? बाइबल कहती ना तो भूख, ना तो नग्नता, ना तो गरीबी, ना तो दुख, ना चिंता, ना मृत्यु, ना अकाल, ना पाताल, ना पृथ्वी, ना दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें ईश्वर से अलग कर सकती है। यदि ईश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है, तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाइबल में यीशु यही कहता है, योहान अध्याय 14:1 में, तुम्हारा जी घबराए नहीं। क्या बोला प्रभु ने, तुम्हारा जी घबराए नहीं। आगे क्या बोला, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। सब लोग हाथ उठा के बोलेंगे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया। क्या बोल रहा है प्रभु, आप किस पे विश्वास करो और किस पर, यीशु मसीह पे विश्वास करो, तो क्या होगा, आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग को घबराहट होती है, हाथ उठाना, मन में घबराहट होती है, चिंता होता है। इस वचन को आंख बंद करके 2 बार हम दोहराएंगे, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया। कितने लोगों को डर लगता है, बहुत से लोगों को डर है, आज का डर, कल का डर, भविष्य का डर, बच्चों का डर, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। प्रभु क्या कहता है उनसे, ईसाई नबी का ग्रंथ अध्याय 41:10 में प्रभु कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितने लोग को चिंता लगता है, बहुत लोग को। प्रभु क्या कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा और अपने विजय दैनी हाथ से तुम्हें संभालूंगा। आइए, जितने लोग डरते हैं अपना हाथ ऊपर उठाएंगे। जितने लोगों के मन में चिंता है, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर डर है, हमारे घर में, परिवार में, प्रभु का वचन हम दोहराएंगे। हर डर को बोलेंगे दूर हट, हर चिंता को बोलेंगे मुझे छोड़, हर घबराहट को बोलेंगे मुझे छोड़, क्योंकि जीवित ईश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई घबराहट नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर, तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजय दाहिनी हाथों से, तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु कहता है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। क्या कहता है प्रभु, अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, कह गए दास कबीर। हालेलुया हालेलुया। चिंता से चतुराई चले जाती है और दुख से शरीर कमजोर हो जाता है। कौन कहे, कबीर दास बोलकर गए कि अपनी सारी चिंताएं मेरे बेटे मुझे दे दे।
अपना दुख मुझे दे दो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्माओं के लिए शांति पाओगे। इसलिए यीशु का वादा है मत्ती 11:28-29 में, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। क्या बोला यीशु ने? थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। हम सब इस दुनिया में थके हुए हैं और जब हम परिवारों में रहते हैं अधिक थक जाते, बोझ आ जाता है, परिवार का बोझ, बच्चों का बोझ, पत्नी का बोझ, पति का बोझ, हम पर रिश्तेदारियों में रिश्तेदारों का बोझ, एक दूसरे का बोझ हम सह नहीं पाते हैं, क्योंकि कई परिवार में पति इतना शराब पीता है, पत्नी हार चुकी है, थक गई है। कई परिवारों में बच्चे इतने बिगड़ गए हैं कि माँ बाप वो बोझ को सह नहीं पा रहे हैं, और कई परिवारों की दशा ऐसे है खाने को नहीं है। कई परिवारों में पैसा तो बहुत आता है लेकिन उनको पैसा को संभालना नहीं आता है। कई लोगों के घर में बरकत नहीं है। कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन महीने के अंत में कुछ भी नहीं, कर्जा, बोझ। घर में पत्नियां देखो तो बिल्कुल अपने रास्ते पे चलती है, पति अपने, तो हर परिवार की कहानी है मेरे भाई। आज इस परिवार में, हर परिवार में जाकर देखो, हर प्रकार का परेशानियाँ मिलेगी। इसीलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में हर परिवार में रहने आए हैं, हर एक घर में जाना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपके घर में प्रभु आना चाहता है। प्रभु यीशु को बोलिए, प्रभु मेरे घर आइए ना। लेकिन हमारे ईश्वर गली गली, हर चौपाए, हर घर घर, हर एक परिवार में जाकर उनके साथ रहा, प्रार्थना किया, उनके परिवारों में दुख में, उनके मृत्यु में, उनके आंसू बहाने से लेकर उनकी खुशियों में सब जगह भाग लिया यीशु ने। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु किस घर में गया, कहाँ पर गया? सबसे पहले प्रभु यीशु किस घर में गया बोलिए, कहाँ गया? यौहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ विवाह बोझ में, काना के विवाह में, उस परिवार में गया। हालेलुया। कहाँ गया प्रभु यीशु? एक घर में गया जिस घर में शादी था। हालेलुया। और जब उस घर में गया प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ बात कर रहा था, घूम फिर रहा था, सब खा रहा था, सबसे बातें कर रहा था, तो माँ मरियम क्या करी? किचन में चले गई। जब माँ मरियम रसोई घर में गया तो माँ मरियम ने देखा कि उनके घर में अंगूरी समाप्त हो गई। सोचिए, आपने कुछ खाना बनाया और खाना समाप्त हो गया, अब आपके दोस्त को पता लग गया, वो परेशान होने लगी, अरे बाप रे, अभी तेरा खाना खत्म हो गया, अभी इतने सारे लोग हैं, भोजन कहाँ से आएगा? तो माँ मरियम ने क्या बोला? घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, डरना नहीं, मेरा बेटा यहाँ पर है। कौन है यहाँ पर? मेरा बेटा है। इसलिए माँ मरियम कहाँ चले गई? दौड़कर यीशु के पास। और यीशु को क्या बोला? बेटे, इस घर में अंगूरी समाप्त हो गई है, आप कुछ करो ना। यीशु ने क्या बोला? माँ, मेरा तो समय नहीं आया, क्या करने बोल रही तू मुझे? लेकिन माँ ने कुछ सुना क्या? नहीं सुना। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हालेलुया। माँ ने कुछ सुना क्या? बैरी बन गई माँ। हालेलुया। और चुपचाप चलेगी वहां से, किसके पास? यीशु को बोल दिया, लोगों के बीच में चले गया। यीशु आकर देखा और शिष्य लोग खड़े हैं। शिष्यों को बोला, जो कुछ मेरा बेटा बोलेगा वही करना। क्या बोला शिष्य लोगों को? जो मेरा बेटा बोलेगा वही करना। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद यीशु ने शिष्यों को क्या बोला? उन मटकों को पानी से लबालब भर दो। क्या बोला? मटकों को पानी से लबालब भर दो। क्या हो गया बाद में? ओ, पानी क्या बन गया रास्ते में? जब उसने पिया तो पानी क्या बन गया? जब उसको पानी ले जाकर दिया गया, प्रबंधक जो था वहाँ का, जो उस विवाह भोज का सबसे मुखिया था, उसको जब पानी दिया गया, उसने पानी पिया, तो क्या बोला? अब तक इतनी बढ़िया अंगूरी आपने कहाँ छिपा रखी है? हालेलुया। 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 इन्हें जो अंगूरी वहाँ पर दी गई उससे भी बढ़कर ये अंगूरी है। इसीलिए वहाँ हमें प्रभु यीशु क्या बताता है, माँ मरियम क्या बताती है, बहुत बड़ा हमारे जीवन के लिए उस सुसमाचार के द्वारा हमें बहुत बड़ा एक शक्ति और आशा मिलती है। क्या है? अगर हमारे घर में कुछ कमी है, हमारे परिवारों में बहुत सी कमियाँ हो सकती है, लेकिन अगर माँ मरियम रहेगी,
उसका बेटा यीशु रहेगा और उसके शिष्य कौन है? संत बने हुए। अगर ये हमारे घर में रहेंगे तो हमें किसी बात की कमी नहीं होगा। सच है झूठे? सच है। अगर माँ मरियम नहीं होगा तो, अगर प्रभु यीशु नहीं होगा सब प्रॉब्लम होगा, संत नहीं होंगे सब प्रॉब्लम होगा। हालेलुया। इसीलिए कैथलिक कलीसिया में हम यीशु के साथ साथ माँ मरियम से भी प्रार्थना करते हैं। माँ मरियम ईश्वर नहीं है, माँ मरियम ईश्वर की बेटी है, माँ मरियम ईश्वर की पुत्री है। सेवा करिए, अपना जीवन ईश्वर के लिए दिया, पवित्रता में उसका जन्म हुआ है। इस दुनिया में तीन ही लोग हैं जो पवित्रता में जन्मे हैं। कौन है? कौन है? एक माँ मरियम, बिल्कुल पवित्रता में जन्मा, बगैर पाप का माँ मरियम का जन्म हुआ। और दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, बगैर पाप का इस दुनिया में जन्म लिया। माँ मरियम ने अपने जीवन में, जब वो माँ के कोख में आई, सेंट एन के कोख में, अन्ना के गर्भ में, निष्पाप आई और निष्पाप पैदा हुआ माँ मरियम। इसलिए माँ मरियम का पाप से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद पवित्रता का जीवन जिया, लोगों के लिए अपना जीवन अर्पित किया और यह बोला, देख मैं प्रभु की, आपका कतन मुझ में पूरा। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे सब लोग हालेलुया। हालेलुया। देख मैं प्रभु की, आपका कतन मुझ में पूरा हो, मुझ में पूरा हो जाए। सब लोग हाथ उठा के इस वचन को मेरे पीछे बोलिए, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। आपका कतन मुझ में पूरा हो जाए। हालेलुया। इसीलिए हम यीशु मसीह को हमारे घर परिवार में बुला सकते हैं। आज परिवार में जो भी समस्याएं है, यीशु उनका समाधान कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:20 में पढ़ते हैं। क्या लिखा है? प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:20, मैं तुम्हारे द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी को सुनकर अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके यहाँ उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। कहाँ पर आएगा प्रभु? कहाँ पर आएगा? वो तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारे साथ भोजन करेगा और वो तुम्हारे समस्याओं को सुनेगा। हालेलुया। अगर अभी सोचिए, यहाँ पर स्वामी फादर रुडल्फ है, अगर आप उनको अपने घर में बुलाएंगे तो क्यों बुलाएंगे? खुशी के समय बुलाएंगे, या तो आपके घर में कोई कष्ट होगा तो बुलाएंगे। जब फादर आपके घर आएंगे तो क्या करेंगे? वो आपकी समस्याओं को सुनेंगे। सुनने के बाद क्या करेंगे? वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद वो बोलेंगे, आप घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तो जब यीशु आपके घर, मेरे घर आएगा, यीशु भी हमसे यही कहेगा, बेटी चिंता मत कर, बेटी डरना नहीं, घबराना नहीं। क्या करना है? बस विश्वास करना। क्या करना? विश्वास। क्या करना? विश्वास करना। आज इस दुनिया में विश्वास नहीं है ईश्वर पे। आज कई लोग के परिवारों में विश्वास नहीं है, आज पति को पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है। और जहाँ विश्वास नहीं है ईश्वर पर, उसको एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं होगा। जिसको ईश्वर पे विश्वास है, वो बराबर अपने पत्नी पर, अपने बच्चों पर विश्वास रखेगा, वो अपने पति पर, अपने बच्चों पर। जिसको प्रभु में विश्वास नहीं है, उसको दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं होगा। इसीलिए हमें सबसे पहले ईश्वर में विश्वास रखने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जैरुस, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, एक जैरुस अधिकारी था, बहुत बड़ा अधिकारी, उसकी बेटी मरने पर थी, वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। क्या हो गया? जैरुस की बेटी बहुत बीमार पड़ी हुई थी, मरने की अवस्था में, आखिरी सांसें चल रही थी। जैरुस प्रभु को लेने गया, प्रभु यीशु मेरे घर चलिए, मेरी बेटी बीमार है। यीशु बोला, ठीक है जैरुस, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगा और तुम्हारी बेटी को मैं अच्छा करूँगा, अब घबराना नहीं। लेकिन यीशु रास्ते में जा रहा था जैरुस के साथ, एक औरत बीच में दौड़ कर आई। कौन है औरत? एक औरत बीच में दौड़ के आई। कौन है वो?
रक्त श्रावणी स्त्री। फिर एक औरत की कहानी हम सुनते हैं। प्रभु के पास पुरुष स्त्री पारिवारिक लोग हमेशा प्रभु के पास जाते हैं, और युवक लोग भी प्रभु के पास जाते हैं, बच्चे लोग भी प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के पास बीमार भी जाते हैं, बुद्धिमान लोग भी यीशु के पास गए, प्रभु के पास सभी लोग जाते हैं, क्योंकि सबों को प्रभु की जरूरत है। हालेलुया। जवान बच्चों को प्रभु की जरूरत है, छोटे बच्चों को प्रभु की जरूरत है, बड़े बड़े अधिकारियों को प्रभु की जरूरत है, बीमार लोगों को यीशु की जरूरत है, पापी लोग को भी यीशु की जरूरत है। हालेलुया। तो आपको और मुझको जरूरत है कि नहीं है? है कि नहीं है? कितने लोग को जरूरत है प्रभु की? हाँ, प्रभु को बोलिए यीशु आप मेरे घर आइए, आप मेरे परिवार में आकर हमारे साथ रह जाइए। यीशु हमारे परिवारों को मुक्ति देने, छुटकारा देने, चंगाई देने, शांति देने, आशीष देने, हे प्रभु यीशु हमारे घरों में, हमारे परिवारों में आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर रोज यीशु को बोलना, यीशु आ जाओ, यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे घर में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे समस्याओं में आ, मेरे दुखों में आ, मेरे कष्टों में आ, मेरे पीड़ाओं में आ, मेरे परेशानियों में आ, मेरे बोझ को अपने ऊपर लेने आ। हालेलुया। जब यीशु आपके घर आएगा, आपको सारी समस्याओं से समाधान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है, ए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब किसके पास आओ? मेरे पास आओ। हाथ उठाकर बोलेंगे सब लोग, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे, थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों, दबे हुए लोगों, तुम सबके सब, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, और मुझसे सीखो, और मैं सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, नम्र और विनीत हूँ। इस तरह, इस प्रकार तुम अपनी आत्माओं के लिए, आत्माओं के लिए शांति पाओगे, शांति पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है, मेरा जुआ ले लो जो सहज और हल्का है, और मुझसे सीखो। जब यीशु को हम अपने परिवार में बुलाते हैं, अपने जीवन में बुलाते हैं, यीशु जब आएगा और उस ईश्वर के पुत्र में हम विश्वास करेंगे, हमारे परिवार की मुक्ति हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु परिवारों में जाता था, घरों में जाता था, लोगों के पास जाता था, ताकि लोगों के जीवन में हमें जरूरतें हैं ईश्वर की। और जब ईश्वर हमारे जीवन में आता है, जब हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, हमारी जिंदगियां बदल जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में मम्मी डैडी थे, लेकिन डैडी आरपीएफ में पुलिस इंस्पेक्टर एएसआई बन के रिटायर हो गए। मम्मी मानसिक रूप से बीमार थी। हमारे परिवार में भी एक बड़े भाई का देहांत हो गया जब हम 4 साल के बच्चे थे। उसके बाद जब 11 बरस के बच्चे हुए, बहन का भी देहांत हो गया, बड़ा भाई मर गया, बड़ी बहन मर गई, माँ मानसिक रूप से बीमार हो गई। उसके बाद हम दोनों भाई में से मैं बहुत गलत रास्ता में बिगड़ गया, बुराइयों में गिर गया। मेरा भाई भी अच्छा था, लेकिन उतना विश्वास नहीं था हमारे घर में। हालेलुया, हालेलुया। हम ईसाई तो बन गए, प्रभु को अपना लिया, लेकिन हमारे परिवार में क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। वो विश्वास भी ऐसा कि किसी का लाभ का नहीं, दृढ़ विश्वास नहीं था। प्रभु यीशु ने जब लोगों को देखा, उनके अंदर विश्वास की कमी है, अल्प विश्वास है, अविश्वास से भरे है, अंधविश्वास से भरे। इसीलिए प्रभु यीशु नाजरत में जब गया अपने घर के तरफ, वहां पर देखकर लोगों के विश्वास को, प्रभु कुछ भी नहीं किया, कोई चंगाई नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, लोगों को देखकर बोला कि यहां पर किसी के अंदर मैं विश्वास को नहीं देखता हूं। जब विश्वास नहीं दिखेगा, प्रभु यीशु आपके घर में भी आकर कुछ नहीं करेगा। अगर यीशु आपके जीवन में आना है, आपको विश्वास चाहिए। अगर यीशु आएगा, विश्वास करेंगे, तभी आपके घर में प्रभु की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में यही अनुभव हुआ। विश्वास अच्छा नहीं था, प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं था, प्रभु के संस्कारों पर विश्वास नहीं था, प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं था, यीशु नाम पर भी विश्वास नहीं था। इसीलिए क्या हुआ परिवार में, देखिए परिस्थितियां क्या है। सब अच्छा था, बड़ा भाई मर गया, बड़ी बहन मर गई, मैं धीरे धीरे शराब में, सिगरेट, जुआ, लॉटरी
और धीरे धीरे हर प्रकार की गंदी बुरी आदतों का गुलाम बन गया। गाली देना, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, और यहाँ तक वेश्याओं के पीछे जाना, गलत रास्तों में जाना, रेड लाइट एरियाओं में जाना, गलत संबंधों में, गलत रिश्तों में पड़ना, छोटी उम्र में बिगड़ गया। और इसके बाद सेंट्रल जेल चले गया और जेल में 3 महीना रहा। और जब जेल में गया, जेल में मुझे विश्वास मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। वो जेल के अंदर मुझे यीशु मिला। लोग बोलते हैं प्रभु यहाँ मंदिरों में मिलता, मुझे जेल के अंदर प्रभु मिला। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वहां पे कोई दोस्त नहीं था, वहां पे मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन वहां हर रोज प्रार्थना करने के लिए सुबह उठना पड़ता था। हालेलुया, हालेलुया। जेल में मुझे यीशु क्यों मिला बताइए? क्योंकि रोज सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना होती है जेल में। मैं कभी घर में प्रार्थना ही नहीं किया तो मुझे ईश्वर कभी मिला ही नहीं है। जब जेल में रोज सुबह प्रार्थना होती थी, सभी लोग अपने अपने प्रभु को प्रार्थना करते, अपने अपने ईश्वर को, तो जेल में मैं क्या करता था? मैं भी उठकर क्या प्रार्थना करूँ, प्रार्थना तो भूल गया, मुझे तो कोई विश्वास ही नहीं था प्रभु पर। लेकिन जेल में जाकर जब मैं जेल के अंदर बंद हो गया, अब छूटने की कोई उम्मीद नहीं है, 3 महीना जेल के अंदर पड़ा हूँ और लोग बोलते हैं अब तू कब छूटेगा कोई पता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब जेल के अंदर रहकर कितने दिन सड़ना पड़ेगा वो दुख होता था। क्या प्रभु, चारों तरफ दीवार ही दीवार है, सलाखें दिखती है, और हम सब कैदी लोग ही जेल के अंदर है। हम भी बाहर जाना चाहते हैं, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन हमको जेल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ वो जेल के अंदर ही सुबह उठो, वहीं पर रहो, रात हो जाती थी, 3 महीना जेल में रहा। लेकिन ये 3 महीने में क्या हो गया मेरे जीवन में? सुबह उठकर एक अच्छी आदत लग गई, क्या है? प्रार्थना करने की। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं 3 महीना जेल के अंदर प्रार्थना करा, विश्वास बढ़ने लगा, और उस विश्वास के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में आ गए, और 3 महीने के बाद मैं जेल से बाहर आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब मैं विश्वास में प्रभु में बढ़ने लगा, जेल से बाहर आया, मुझे केरला पोटा डिवाइन रिट्रीट सेंटर जाने का मौका मिला। जब मैं केरला डिवाइन रिट्रीट सेंटर पोटा गया, प्रभु का वचन सुनने लगा, और सुनते द्वार प्रभु का वचन सुनने से मेरे विश्वास और भी बढ़ने लगा, मेरा विश्वास गहरा होने लगा, मेरा विश्वास मजबूत होने लगा। किसके द्वारा? ईश्वर के वचन सुनने से। क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती है? रोमी अध्याय 10:17 क्या कहता है प्रभु? सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनने से क्या मिलता है? विश्वास। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? वचनों के द्वारा। बाइबल में लिखा है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वो मसीहा का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सुनने से, सुनने से विश्वास, विश्वास उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है, और जो सुनाया जाता है, मसीहा का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार बोलेंगे, अपने पास बाइबल है तो बाइबल उठा के बोलेंगे, सुनने से, सुनने से, सुनने से, सुनने से विश्वास, विश्वास उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है, और जो सुनाया जाता है, मसीहा का वचन है, वो मसीहा का वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज यहाँ पर आपको क्या सुना रहे हम लोग? क्या सुना रहे? कहानी। क्या सुना रहे? वचन। जब वचन सुनाते तो क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलो, क्या मिलेगा? और विश्वास जब बढ़ेगा तो क्या होगा? आपके जीवन में प्रभु का चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयां प्रकट हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु और एक के घर में गए थे। किसके घर गए थे? मार्ता और मरियम के घर में। किसके घर में गए थे? मार्ता और मरियम के घर में। मार्ता क्या कर रही थी? बहुत से काम में व्यस्त थी। मरियम क्या किया? प्रभु के पैरों पर बैठकर सुनने लगी। क्या करने लगी? क्या करने लगी? सुनने लगी। और ये क्या करने लगी? मार्ता कामकाज में व्यस्त हो गई। इसीलिए प्रभु के पास आज आप वचन सुनने लगे, और प्रभु ने क्या कहा? इसने सबसे उत्तम स्थान चुन लिया है, इससे कोई भी ये छीन नहीं सकता है। ये सबसे अच्छा समय है जब हम प्रभु के वचन सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कई लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन वचन नहीं सुन पाते। कारण क्या है? यहाँ बैठे तो लेकिन वचन सुन भी नहीं पाते हैं।
वचन को सिर्फ सुनने का हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन वचन हमारे अंदर नहीं जाता है, लेकिन जिसके अंदर वचन चले जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया 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 हालेलुया। केरला में मैंने वचन सुना, वचन सुनने के बाद मेरे अंदर इच्छा जागी, क्या जागी, मैं भी एक बाइबल खरीदा। हालेलुया 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 हालेलुया। 1998 में मैंने एक बाइबल खरीदा और बाइबल खरीदने के बाद मेरे अंदर और एक इच्छा जागी, क्या है वो, बाइबल पढ़ने की। हालेलुया हालेलुया। बाइबल पढ़ने लगा, वहां मुझे बाइबल खोलना नहीं आता था, हिंदी बोलना नहीं आता था, बाइबल पढ़ने लगा, बाइबल खोलने लगा, बाइबल समझने लगा, अब विश्वास में मैं धीरे धीरे वृद्धि होने लगा। हालेलुया 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 हालेलुया। और उसके बाद नागपुर आ गया, नागपुर आने के बाद मैंने निर्णय ले लिया, अब मैं प्रभु का वचन सुनाऊंगा। हालेलुया, मैं प्रभु का प्रचार करूंगा। हालेलुया, भले मुझे बहुत दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे पता नहीं, लेकिन मैं जरूर एक दिन प्रभु का वचन सुनाऊंगा। और ये इच्छा लेकर मैं नागपुर में अपने घर में 6-6 घंटे 5-5 घंटे बाइबल पढ़ने लगा। हालेलुया, और मेरे जीवन से सारी बुराइयों को प्रभु ने दूर किया, शराब छूट गया, सिगरेट छूट गया, गुटखा तंबाकू छूट गया, यहाँ तक कि गलत दोस्त लोग छूट गए, हर प्रकार का गाली देना, झूठ बोलना, गंदी पिक्चरें देखना, गंदे काम करना, औरतों के पीछे जाना, ब्लू फिल्म्स देखना, वेश्याओं के पीछे जाना, सब खत्म हो गया। मुझे पता भी नहीं लगा प्रभु ने इतनी सारी बुराइयों को आसानी से मेरे अंदर से निकाल दिया। हालेलुया हालेलुया। क्यों निकाल पाया मालूम, मैंने प्रभु पे विश्वास किया, पूरा विश्वास, क्योंकि जेल से आने के बाद कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे लिए। जब हमारे पास पैसा होता है तो विश्वास नहीं कर पाते, जब हमारे पास ऑप्शन होते तो हम विश्वास नहीं कर पाते, जब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है तभी हमारे जीवन में एक नया रास्ता खुलता है। यीशु कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं।